स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल महर्षि आयुर्वेद में। और आज हम बात करेंगे एक और औषधीय वनस्पति के बारे में जिसका प्रयोग सूजन, शीत ज्वर, बाघ के काटने, त्रिदोष, लकवा, पेट के कीड़े, हृदय की कमजोरी व गुदा रोगों में किया जाता है। इस औषधीय वनस्पति का नाम है अरनी। इसे अग्निमथा, टेकार, उर्नी व लघुमंथ के नाम से भी जाना जाता है। आपकी भाषा में क्या कहते हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अरनी एक लता है जो पेड़ों के ऊपर चढ़ी हुई मिलती है। यह दो प्रकार की होती है, एक छोटी अरनी और दूसरी बड़ी अरनी। जिस अरनी को आप वीडियो में देख रहे हैं यह छोटी अरनी है। बड़ी अरनी से भी आपका परिचय जल्दी ही कराऊंगा। छोटी अरनी की पहचान की बात करें तो यह एक झाड़ीनुमा बेल है जो पेड़ पर 2 से 5 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ जाती है और संपूर्ण पेड़ को ढक लेती है, मानो जैसे ये अरने का ही पेड़ हो। इसकी बेल से नाक को भेदने वाली बदबू आती है, इस कारण इसे पशु नहीं खाते हैं। बाकी जब इसमें फूल आते हैं सफ़ेद रंग के 5 पंखुड़ियों वाले, तो इनके फूलों से निकली खुशबू अपने आसपास के वातावरण को मन मोहने वाली बना देती है। इसके पत्ते त्रोणाकार, अंडाकार व किनारों से दंतुदार होते हैं। छोटी अरनी रस में मधुर, कटु, तिक्त तथा कटु विपाक व उष्ण वीर्य युक्त होती है। अरनी के औषधीय प्रयोग व विधि की बात करें तो अरनी का एक बहुत ही अच्छा व सरल प्रयोग है। आप अरनी के पत्ते ले लें और इन्हें हल्का गर्म करके पीसकर सवरस निकाल लें और 3 से 4 बूंद रस कान में डालने से किसी भी कारण से कर्ण पीड़ा हो तो उसमें लाभ होता है। छोटे अरनी का क्वाथ बनाकर 30 से 40 ml क्वाथ में थोड़ा सरसों का चूर्ण डालकर पीने से वात्सगुलम रोग, जिसमें कभी पैर, कभी हाथ, कभी सिर, मतलब शरीर के अलग अलग हिस्सों में सुई जैसी चुभन का दर्द होता है, उसमें पूरा पूरा लाभ मिलता है। अरनी के 5 से 10 पत्र सवरस अथवा 10 ml जड़ को क्वाथ पिलाने से अजीर्ण, अरुचि, शूल, अतिसार तथा कृमि रोग में लाभ होता है। इसके 5 से 10 पत्र सवरस को प्रातः साय पीलने से प्रमेह में भी लाभ होता है। साथ ही अगर आप इसके पत्तों का सवरस 5 से 10 ml का सेवन करते हैं तो वात रक्त, मेदो रोग, बाल रोग, पर्दर रोग, पांडु रोग, गुद्दा रोग, श्वास कष्ट, अमाशय शूल, उदर विकार व उपदंश में पूरा लाभ मिलता है। तो दोस्तों अरनी बेल की यह जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आगे भी ऐसी ही जानकारी प्राप्त होती रहे इसके लिए हमारे चैनल महर्षि आयुर्वेद को अभी सब्सक्राइब करें जो बिल्कुल फ्री है। धन्यवाद दोस्तों आपका मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए।